नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की ये क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और आप सभी की डिमांड पर भी मैं ये लेकर आया हूँ भूगोल के प्रश्न। दोस्तों, ये अपना टाइम होता है हिंदी का और या फिर भारत जीके का, लेकिन ये आप लोगों की डिमांड थी कि सर BSTC का हमारा पेपर है 31 को, इसलिए हमें भूगोल के क्वेश्चन कराइए, हमारा क्विक रिवीजन कराइए। दोस्तों, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे, आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। वैसे जितना भी मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा का पूरा कवर करते हुए चलेंगे, जहाँ से आपके भूगोल से जितने भी क्वेश्चन बने वो सारे यहीं से बने, ये मेरी पूरी जो कि यहाँ की रणनीति रहने वाली है, यहाँ की जो है यहाँ का शेड्यूल रहने वाला। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस क्लास के अंत तक रहकर जुड़े रहकर जो है क्लास का फ़ायदा लेंगे। आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वैसे और बाकी जो भी भाई बहन हैं, अगर PTT या फिर पटवार या वन डक्स की तैयारी करें, वो भी इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा, आपके लिए भी बहुत सुपर होगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना दोस्तों। सुपर फास्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमें। चलिए, राजस्थान में 33 सागर का अवशेष, देखिएगा एक बार कलर को चेंज कर लेते हैं अपन, कौन सा सूटेबल रहेगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो राजस्थान में 33 सागर का अवशेष जो है ना वो कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी मरुप्रदेश भी और पूर्वी मैदान भी है, दोनों 33 सागर के अवशेष हैं। तो दोस्तों ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अगर आपसे सिंगल सिंगल पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी मरुप्रदेश है जो राजस्थान में 33 सागर का अवशेष है, हालांकि कहीं ना कहीं जो पूर्वी मैदान में भी कुछ अवशेष है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, मतलब कि अरावली प्रदेश नहीं है, या अपना दक्षिणी या शुष्क या फिर आबू, गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, शुष्क प्रदेश जो है ना, ये शुष्क प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। बाकी अरावली पर्वत प्रदेश है और दक्षिणी पूरी पठारी भाग भी है, आबू पर्वत तो अरावली के अंतर्गत आ ही जाता है। समझ रहे मेरी बात को? अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, प्रोफेसर VC मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। प्रोफेसर VC मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान का भूगोल इनकी पुस्तक का नाम है। क्या है? राजस्थान का भूगोल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँ, इसको प्रकाशित कब किया गया? तो दोस्तों 1968 में इसको प्रकाशित किया गया और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, है ना, कौन सी, नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, NBT के द्वारा इसकी जो है प्रकाशित इसको किया गया। प्रोफेसर VC मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा है? मेरे दोस्तों, राजस्थान का भूगोल इन्होंने लिखा और इन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? तो प्यारे दोस्तों, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, ठीक है, 7 प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को भौतिक विभाग की दृष्टि से। अब आप कहेंगे सर, पहली बार अगर भौतिक विभाग की दृष्टि से किसी ने बांटा है तो प्रोफेसर यही VC मिश्रा ने ही बांटा था। दोस्तों, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सुनिएगा ध्यान से और नोट करने की अब टाइम नहीं है, ध्यान से क्विक रिवीजन फटाफट से, है ना, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा। कमेंट को अगर आप लोग ऑफ करना चाहें तो कमेंट ऑफ कर दीजिएगा, आप लोग ओनली ऑन ध्यान से सुनिए। ये देखिए, पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश है, नहरी क्षेत्र है, अरावली पहाड़ी है, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़। देखिए, इसमें जो टोटल अपने भौतिक प्रदेशों की बात करें, 4 विभागों में बांटा गया, लेकिन भूगोल इसने प्रोफेसर VC साहब ने जो है क्या किया, इन्होंने देखिए अर्ध शुष्क को अलग बांटा है, नहरी क्षेत्र को अलग बताया और चंबल बीहड़ को अलग बताया, ठीक है। ये 3 तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाकी तो आपको याद ही रहेंगे वैसे। अच्छा, धरातल और जलवायु के आधार पर भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दोस्तों, और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों ये तो है जो 4 ये है ना, ये जलवायु आधार पर और धरातल आधार पर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? झीलों में खारा पानी होने और नमक उत्पादन का मुख्य कारण जो है ना वो माइका शिष्ट पदार्थ है। दोस्तों माइका शिष्ट चट्टाने हैं, दोस्तों ध्यान रखना, मतलब नमकीन युक्त, मैंने आपको रात की क्लास में भी ये चीज बताई थी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, उत्तर पश्चिम मरुस्थली भाग राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भाग में विस्तारित है? जो उत्तर पश्चिम मरुस्थली भाग है ना, अपने राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत भाग पर विस्तारित है? तो दोस्तों 61% भाग पर विस्तारित है, मतलब बी ऑप्शन आपका
सही उत्तर होगा। और दोस्तों 209,000 है ना, 209,000 वर्ग किलोमीटर में केवल अकेला जो है ना ये अपना शुष्क प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ओके, ध्यान रखेंगे ना। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जो मरुस्थली भाग है, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत मरुस्थली भाग है, मतलब उत्तर पश्चिमी मरुस्थली भाग है ना, वही बात है मेरे दोस्तों, तो ध्यान दे देना। देखिए अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा अपन ने, हाँ अभी तो भूभाग के बारे में पढ़ा कि भाई 61% इसका भूभाग है। वहीं बात करें जनसंख्या की तो यहाँ की कुल जनसंख्या 40% है दोस्तों, पूरे राजस्थान की कुल यहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है, 40% यहाँ पर रहती है, जो 12 जिलों में विस्तृत है। नंबर 9 क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम मरुस्थली भाग से संबंधित असुमेलित क्या है, गलत क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सेम सेम पुटअप हो जाए, लेकिन यहाँ से जो व्याख्या मैं बता रहा हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अच्छा, उत्तर पश्चिम मरुस्थली भाग से संबंधित असुमेलित क्या है, वर्षा 20 से 50 सेमी होती है, बिल्कुल सही है। जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम, सही है। मुख्य फसल बाजरा मोट गवार मूंग है, यहाँ की सही है बिल्कुल। मिट्टी लाल दोमट यहाँ पे नहीं पाई जाती, यहाँ पे बलुई कह लो या फिर रेतीली कह लो, है ना, रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। प्यारे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा, और बाकी हर एक चीज को इर्द गिर्द घूमने वाले मतलब ऑप्शंस को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है, विशाल बालू का स्तूप किस भूभाग का उदाहरण है, तो विशाल बालू का स्तूप अपने उत्तर पश्चिम मरुस्थली भूभाग का ही उदाहरण है, और ये रेत के मतलब बालू रेत के विशाल टीले होते हैं मेरे दोस्तों, और हवाओं के साथ अपने स्थान बदलते रहते हैं वैसे, है ना। और मतलब इसका अगर परिणाम देखा जाए ना तो वायु प्रदूषण, वायु अपरदन है ना, तो ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, नहीं इनमें ऐसे असुमेलित नहीं है, इनमें से असुमेलित नहीं है। भौतिक प्रदेश के बारे में बात की जाए तो भूभाग और परसेंट दे रखा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% दे रखा है, उत्तर पश्चिम मरुस्थली प्रदेश जो है 61% दे रखा है, और पूर्वी मैदानी भाग 23%, और ये भी क्वेश्चन अपन ने कल रात को पढ़ा था, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग 7% है मेरे दोस्तों कुल राजस्थान के भूभाग का, और अरावली प्रदेश 9% है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश 61% है, पूरी मैदानी भाग जो है 23% है। अच्छा, तो पहले नंबर पे कौन सा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, दूसरे पे कौन सा है, पूरी मैदानी, तीसरे पे अरावली, चौथे पे दक्षिणी पूर्वी। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में सर्वाधिक मौजूद है, उत्तर पश्चिम मरुस्थल में सर्वाधिक मौजूद है तो दोस्तों लिग्नाइट है या खनिज तेल है या लाइम स्टोन या उपरोक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर उत्तर पश्चिम पूरा मरुस्थल आपसे पूछ लिया है, ठीक है, पूरा मरुस्थल आपसे पूछ लिया है, तो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी के साथ जाएगा। अगर केवल और केवल मान लीजिएगा जैसलमेर पूछे या पर केवल बाड़मेर पूछे तो हम कह सकते हैं कि बाड़मेर तेल के लिए प्रसिद्ध है और ये जैसलमेर गैस के लिए प्रसिद्ध है, ये आप जैसो कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जल्दी बताइए। पवनानुवर्ती जो बालू का स्तूप है ना, इसको रेखीय स्तूप भी कहा जाता है, क्या, रेखीय स्तूप भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन था जो कि जैसलमेर जोधपुर और बाड़मेर में सर्वाधिक होते हैं, ये पवनानुवर्ती है ना। कौन सा बालू का स्तूप महिलाओं के हेयरपिन का होता है प्यारे दोस्तों, कौन सा ये बालू का स्तूप जो है महिलाओं के हेयरपिन की तरह होता है, तो जल्दी से आंसर देना है आप सभी को। पैराबोलिक जो है ना, पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है ना, ये महिलाओं की हेयर पिन जो होती ना उसकी तरह होता है। बोले सर ठीक है, ये कहाँ पे सर, ये लगभग लगभग जो है ना इसके मरुस्थल के सारे जिलों में पाए जाते हैं, मरुस्थल के सारे जिलों में ये हेयर पिन वाले बालू का स्तूप पाए जाते हैं, मतलब कौन से सर, पैराबोलिक। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को हम दूसरे नाम से जानते हैं, बरखान अनुप्रस्थ, पैराबोलिक या पवनानुवर्ती। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्धचंद्राकार को हम जो है ना बरखान कहते हैं, अर्धचंद्राकार को हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं, और पवनावर्ती को हम क्या कहते हैं, बोले सर पवनावर्ती को तो आप कहते हैं आप क्या, हम सभी मिलके रेख ही कहते हैं ना, बरखान अर्धचंद्राकार को, ठीक है, और पैराबोलिक को हेयरपिन महिलाओं की। तो ये उपनाम सबके याद रखना बस, है ना। अगला क्वेश्चन है, लाठी सीरीज किसका उदाहरण है दोस्तों, ये एक भूगर्भीय जो है ना जल पट्टी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है, भूगर्भ पट्टी है, और ये जो है ना लाठी सीरीज जो है ना ये उदाहरण है भूगर्भीय पट्टी का, सी ऑप्शन, ये पोखरण से लेकर लाठी तक विस्तृत है मेरे दोस्तों, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा वैसे। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, जैसलमेर की चट्टान कैसी है, जैसलमेर में जो चट्टान है ना मेरे दोस्तों वो कैसी चट्टान है, बलुआ पत्थर की बनी हुई है अधिकतर, है ना, लेकोलित पत्थर की है, बैथोलिक पत्थर की, या इनमें से कोई नहीं। आपने कहा सर इसका राइट आंसर तो ये होगा, बलुआ पत्थर हो जाएगा। चलो साहब बलुआ को लॉक करते हैं। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग जो है ना कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन
अभी अपने पढ़ लिया है तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ेंगे। 60% है ना, कितना है 60% है। और ये इसे महान मरुस्थल भी कहते हैं, वैसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं, थार का मरुस्थल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, थार मरुस्थल से संबंधित गलत क्या है? सही बताएं दोस्तों, थार मरुस्थल से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए, सबसे अधिक जैव विविधता इस मरुस्थल में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक, ये है बिल्कुल है साहब, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, मतलब कि इसमें यूं पूछा जा रहा है इस ऑप्शन में कि भाई थार मरुस्थल का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य तो राजस्थान है अपना, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, कोई गलत है ही नहीं इनमें से, ठीक है, इनमें से कोई गलत है ही नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में, 20 रण क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, रण क्षेत्र का उदाहरण नहीं है, जल्दी बताइए, रण या फिर टाट क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। कन्नौड, भाकरी, थोब, सिंगाना। बोले सर ये तो बहुत ज्यादा डीपली दे दिया, हाँ लेकिन ध्यान दे देना थोड़ा सा, अगर आपको ये चीजें याद हो ना, थोब, भाकरी, कन्नौड, सर ये जो है ना ये बीकानेर के क्षेत्र है। हाँ तो बात ये है कि सिंगाना बीकानेर का क्षेत्र नहीं है ना, तो ये कहाँ का सर? ये झुंझुनू का क्षेत्र है भैया, है ना। तो वहाँ पर ये रण और टाट का विस्तार नहीं है। लूणी नदी का क्षेत्र तंत्र नहीं है, लूणी नदी का क्षेत्र तंत्र नहीं है। जैसे कि लूणी नदी कहाँ पर नहीं बहती? पाली में बहती, जोधपुर में बहती है, बाड़मेर में बहती, बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है। बीकानेर व चूरू जिला ऐसे जिले हैं दो जिसमें कोई भी नदी का वास नहीं है। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये लूणी जो है ना नागपाड़ से निकल कर होती हुई, बालोतरा से होती हुई जो है आगे जाती है कच्छ के रण में। ओके सर, ध्यान रखेंगे। नंबर 22 क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है? जल्दी बताइए, शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य है? तो यहाँ पे बरखान होगा मेरे दोस्तों, शेखावाटी में बरखान है। वैसे मतलब कि मैं आपसे बात करूं, कुल 12 जिलों में ये मुख्य रूप से जो बरखान जो कि बालू का स्तूप ये पाए जाते हैं। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, इसको अर्धचंद्राकार कहते हैं, ये तो अपने बात कर ही लिए। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो भी भाई बहन अब जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा, लास्ट तक बने रहिए और रहियो। और रही बात, आपने अभी तक की जो क्लास नहीं देखी वो बाद में देख लेना, ठीक है। और लाइव ना देख के जो भाई बने बाद में देखते क्लास, उनको भी बहुत सारा सैल्यूट है, लेकिन शेयर जरूर कर लेना समय रहते काफ़ी भाई बहनों के साथ। सुपर फास्ट क्विक रिवीजन, गगर का मैदान किस जिलों में विस्तारित है? आपने कहा सर इसका राइट आंसर तो बिल्कुल आसान है, बोलिए सी ऑप्शन को लॉक करें। हाँ सर बिल्कुल, ये गगर का मैदान जो है ना, गगर के मैदान को दोस्तों वैसे बात की जाए, गगर नदी के जो पार्ट है ना उसको नाली कहा जाता है वहाँ पे स्थानीय भाषा में। और गग्गर नदी की बात करें दोस्तों, ये इसका पानी अधिक आ जाता है ना तो ये फोर्ट अब्बास तक भी चली जाती है, ठीक है। और पौराणिक काल में इसको सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे इसको ये भी कहा जाता है कि सरस्वती की ये सहायक नदी थी, है ना, सरस्वती जो कि अब विलुप्त है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, गोडवान प्रदेश नागौरी उच्च भूमि, शेखावाटी का आंतरिक क्षेत्र या लूणी जवाई बेसिन या उपरोक्त सभी? गोडवान प्रदेश कौन सा क्षेत्र आता है दोस्तों? ये है ना लूणी जवाई बेसिन को गोडवान क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गोडवान क्षेत्र कहते हैं लूणी बेसिन को, ध्यान रखना, जो कि पाली व जालोर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन, बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी खारा हो जाता है, ठीक है, सबको पता है, सब भाई बने पढ़ते हैं, लेकिन क्यों होता है? ये क्वेश्चन पढ़ो ना तभी आनंद आएगा भैया। बोले सर ये तो आसान है, बहुत आसान है, बालोतरा के बाद लूणी नदी का पानी खारा होता है क्योंकि कौन सा कारण गलत है? गलत कारण को यहाँ पे आपको बताना है। तो नमक युक्त चट्टान होने के कारण ये तो सही कारण है दोस्तों, मरुस्थली प्रदेश के अपवाह के कारण ये भी सही कारण है, नमक के कणों का कारण ये भी सही कारण है, ये वनस्पति अधिक होने, ये कोई भैया इससे कोई मैटर नहीं करता, तो डी ऑप्शन ये गलत कारण है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में विस्तृत है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना किन जिलों में विस्तृत है? तो दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर में है, हाँ गलत, जैसलमेर और बाड़मेर में, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, आकलवुड फॉसिल पार्क, दोस्तों देखिए आकलवुड फॉसिल पार्क भी यहाँ पर है वैसे, और यहाँ पर मतलब बहुत ही प्राचीन जीवाश्म मिले हैं लकड़ियों के, है ना, और ये गोडवान की मतलब कह सकते हैं भूमि भी है, गोडवान की भूमि कहा जाता है। नंबर 27 क्वेश्चन है, मरुस्थल भाग की जलवायु है, मतलब कि जो मरुस्थल है ना मरुस्थल की जलवायु कैसी है? देखिए शुष्क है या फिर आद्र है या अति आद्र या उक्त नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए मरुस्थल भाग की जो जलवायु है ना वो शुष्क जलवायु है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ की जलवायु विषम जलवायु
जलवायु है दोस्तों, कैसी है, अत्यधिक विषम है ना, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना भैया। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग की स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देना है। जोहड़ व नाडा किसे कहते हैं, जोहड़ व नाडा किसे कहते हैं दोस्तों, जल प्राप्ति हेतु कच्चे व पक्के कुएं, बालू का स्तूप में जल इकट्ठा होना, या नदियों के भूभाग को, या जल संरक्षण हेतु हौद। हौद अलग चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जल प्राप्ति हेतु कच्चे व पक्के कुएं। तो मतलब ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, जोड़ और नाडा ये शेखावाटी क्षेत्र में अधिकतर होता है वैसे। प्रमुख लवणीय स्रोत कौन सा है दोस्तों, जल्दी बताइए प्रमुख लवणीय स्रोत जो है ना कौन सा है, पचपदरा, सांबर, डिडवाना या उपरोक्त सभी। मैंने बताया आपको क्विक रिवर्जन बहुत जरूरी है, और ऐसे ही होगा भैया, है ना, ऐसा ही होगा। हाँ जी, कौन से को लॉक करें, प्रमुख लवणीय स्रोत कौन से, तो सारे हैं मेरे दोस्तों, है ना, सांबर तो सबसे बड़ा है, पचपदरा भी है, डीडवाना भी है, तो मतलब डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, और लूण करण सर भी है। सर्वाधिक नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ मिलता है दोस्तों, नेटवर्क बालू का स्तूप के नाम से भी बालू का स्तूप है क्या, हाँ जी है, तो ये सर्वाधिक हनुमानगढ़ में मिलते हैं मेरे दोस्तों। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में, ये हनुमानगढ़ से विस्तारित होते हैं दूसरे राज्य की ओर, मतलब हरियाणा की ओर विस्तृत होते हैं, न कि राजस्थान की ओर, ठीक है, तो ध्यान रखना ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, अरावली प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन है विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं कि सर इसमें तो हम क्या ही करेंगे, आप बता ही रहे हैं, और वैसे हमें पता है अरावली हो जाएगा राइट आंसर, अरावली, अरावली दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अरावली प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जाति का बाहुल्य है दोस्तों, अरावली प्रदेश में इनमें से कौन सी जाति रहती है, भील, मीणा, ग्रास या उपरोक्त सभी। तो देखिए भील भी यहाँ पर रहते हैं वैसे, मीणा भी यहाँ पर रहते हैं, और दोस्तों गरासिया भी इस क्षेत्र में रहते हैं, तो किसी में भी कमी नहीं है, तो अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पहाड़ी भागों में भील भी रहते हैं, मीणा भी रहते हैं, गरासिया भी रहते हैं, डामोर भी रहते हैं वैसे बात की जाए तो। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, राजस्थान में अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है दोस्तों, राजस्थान में कुल अरावली पर्वत की कुल कितनी लंबाई है, तो दोस्तों 80% है, या 70% है, या 60% या 90% है। बोले सर राजस्थान में 80% है कि कुल जो है ना 692 किलोमीटर है, और जिसमें राजस्थान में जो है ना 550 किलोमीटर है। अरे वाह बहुत बढ़िया, तो कुल 692 है और कुल राजस्थान 550, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 34 आपकी स्क्रीन पर है, अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित क्या है, अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित क्या है, मतलब राजस्थान की तुलना करें तो इसका भूभाग, राजस्थान के कुल भूभाग का इसका भूभाग जो है ना वो 9% है, ये बिल्कुल सही है, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। कुल जनसंख्या यहाँ की 10% ही है, यहाँ की जलवायु की बात करें, जलवायु आद्र नहीं है प्यार दोस्तों, गलत कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यहाँ की जलवायु उप आद्र है मेरे दोस्तों, क्या है, उप आद्र है, और बाकी मिट्टी की बात करें काली भूरी लाल कंकरील यहाँ पर होती ही है, और यहाँ की वर्षा की बात कर लूँ मैं आपसे तो 50 सेमी से 90 सेमी तक जो कि सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में प्रमुख कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, अरे वाह क्या बात है, क्वेश्चन के लेवल को देखो भैया, अरावली क्षेत्र में प्रमुख कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तांबा तो पाया जाता, सीसा, जस्ता अच्छे तरीके से, अभ्रक भी पाया जाता, कोयला यहाँ पर नहीं पाया जाता। भैया कोयला कहाँ पर पाया जाता है, कोयला अपने बीकानेर में पाया जाता है, ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, अरावली भागों में मुख्यतः किन, देखिए अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है, अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है, बाजरा, चावल, गेहूं या मक्का। अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है, आपने कहा सर बाजरा नहीं होगा, चावल, चावल नहीं होगा, गेहूं। देखिए मुख्य रूप से पूछा है तो कहीं ना कहीं आपका मक्का हो जाएगा मेरे दोस्तों, बाकी उगाते हैं बाजरा तो नहीं, लेकिन अरावली भागों में मुख्यतः किसकी खेती की जाती है, मक्का की जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी काली है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में कुल कितने जिले सम्मिलित है, जो अपना मध्यवर्ती अरावली प्रदेश है ना इसमें कुल कितने जिले हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में अपन ने पढ़ा ना उत्तर पश्चिम मरुस्थल में 12 जिले, तो उस प्रकार से यहाँ पर कितने जिले, आपने कहा सर 13 जिले, अरे वाह 13 जिले हैं इसमें मेरे दोस्तों, ध्यान रखना कितने 13 जिले हैं, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। और ये जो है ना अरावली प्रदेश, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए ये राजस्थान की एक जल विभाजक रेखा मानी जाती है, राज्य की जल विभाजक रेखा मानी जाती है। ओके सर,
तो दोस्तों आप लोग ये देख ही पा रहे हैं, वैसे ये अरावली प्रदेश है। और इस प्रकार से अब मैं आपको क्या ही बताऊं, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला क्वेश्चन है जल्दी। अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा गोंडवाना लैंड का है दोस्तों। किसका है? गोंडवाना लैंड का जो है ये अवशेष है अरावली पर्वत। और इसकी उत्पत्ति की बात करें 650 मिलियन वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी जाती है प्यारे दोस्तों। तो मतलब कि प्रारंभ में ये इतने ऊंचे थे कि धीरे धीरे अनाच्छादन के कारण जो है आज अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गए। इसीलिए अपन अरावली को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ का मतलब अवशिष्ट कहते हैं अरावली को। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? अच्छा, अरावली को भी बांटा गया क्या अलग अलग से? हाँ जी बांटा गया। तो अरावली को तीन भागों में बांटा गया। देखिए, एक तो है उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। एक है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। और एक है दक्षिणी अरावली, ठीक है, दक्षिणी अरावली। उत्तर पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती और दक्षिणी अरावली, ये तीन भागों में बांटा गया। मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, अरावली किन दो महान नदियों के बीच जल विभाजक रेखा का कार्य करती है? अरावली किन दो महान नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन गंगा व सिंधु। गंगा व सिंधु बेसिन के मध्य जो है जल विभाजक का कार्य करती है। बी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? जल्दी बताइए, लास्ट तक बने रहना, क्विक रिविजन करना है तो, है ना, अन्यथा जो है हरी इच्छा है भैया, डिमांड भी आपकी थी, आप ही के कहने पर लेकर आया था, है ना। तो देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश की समुद्र तल से जो ऊंचाई है ना वो कुल है 930 मीटर, है ना, 930 मीटर है सर। चले बहुत बढ़िया, जो कि सर्वाधिक ऊंची कौन सी छोटी है? गुरु शिखर है। अरावली खंड से संबंधित असंगत क्या है? अरावली खंड से संबंधित असंगत, जो अरावली तीन भागों में बांटी गई है ना प्यारे दोस्तों, तो देखिए उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश जयपुर से खेतड़ी तक ये सही है, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र अजमेर से राजसमंद। अगर पूछ लिया जाए कि अजमेर जो है ना कौन से अरावली क्षेत्र में आता है, तो ध्यान रखना मध्यवर्ती में आता है। अगर पूछे जयपुर कौन से में आता है, तो उत्तर पूर्वी में आता है। जैसे खेतड़ी भी पूछ ले, तो ये दोस्तों ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। दक्षिणी अरावली प्रदेश की बात करें राजसमंद से आबू तक है, मतलब इनमें से कोई असंगत है ही नहीं, सारे के सारे राइट है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग क्या कहलाता है? आबू पर्वत, भाकर, मेसा पठार या गिरवा? चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग मेसा पठार कहलाता है। यहां पर किला बना हुआ मेरे दोस्तों, जो कि 620 मीटर की ऊंचाई पर, ओके, ये है जो भाकर नहीं मेसा पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर पखेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट किस किस क्षेत्र के दर्रे हैं? जल्दी बताइए, बर है, पखेरिया है, शिवपुर घाट है, सुरा घाट है। ये अपने ब्यावर के है मेरे दोस्तों, कहाँ के? ब्यावर के, मतलब ब्यावर कहाँ पर आता है? अजमेर कहाँ पे आता है? आपने कहा सर अजमेर तो मध्यवर्ती में आता है, तो ब्यावर भी मध्यवर्ती में आता है। तो ये सारे घाट जो है ना ये मध्यवर्ती अरावली के हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, प्लीज 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 हर एक चीज को, हर चैप्टर को क्लियर करते रहिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार किस जिले में अवस्थित है? राज्य का सबसे ऊंचा पठार किस जिले में अवस्थित है? तो दोस्तों ये सबसे ऊंचा पठार है सिरोही में। बोले सर कौन सा? उड़िया क्या? हाँ तो वही तो है ना, उड़िया पठार, उड़िया पठार सबसे ऊंचा जो कि सिरोही में है। और ये मतलब मैं आपसे बात करूं 1360 मीटर की ऊंचाई पर, कितना? 1360 मीटर की ऊंचाई पर। और दूसरा पठार कौन सा है? बोले सर आबू पठार है। वो कितना है? वो 1200 की ऊंचाई पर, 1200 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है ना? सबको पता है सर कहा जाता है, इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ तो किसने कहा बताओ? फर्ग्यूसन ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, जॉर्ज थॉमस ने, इनमें से कोई, सॉरी कर्नल जेम्स टॉड ने। तो दोस्तों ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था, ठीक है। 1722 मीटर की ऊंचाई पर गुरु शिखर, और राज्य की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय और नीलगिरी के मध्य की भी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय वे नीलगिरी के मध्य की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, साथूर पहाड़ी और लाखेरी पहाड़ी किन जिलों में स्थित है? बताइए, सबसे आसान क्वेश्चन है साथूर पहाड़ी दोस्तों। बोले सर ये तो बूंदी में, बूंदी में क्या? चलो लाखेरी तो पता ही होगा ना बूंदी में, तो फिर आप इस हिंट के हिसाब से भी बता सकते हैं कि इस राइट आंसर अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। और लेकिन ध्यान रखना ये अरावली से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना ये अरावली से संबंधित नहीं है, ये चीजें आप लोग ऐसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग के स्क्रीन पर, सही सुमिलित कीजिए दोस्तों, जल्दी बताइए सही सुमिलित करके।
शेर छोटी जो है ना ये 1557 बिल्कुल सही है, दिलवाड़ा 1442 बिल्कुल सही है, और आबू पर्वत की बात करें दोस्तों तो 1295 गलत है, अचलगढ़ की बात आबू पर्वत, अच्छा आबू पर्वत पूछा है सॉरी, पठार नहीं पूछा, आबू पर्वत की ऊंचाई बिल्कुल सही है। अचलगढ़ देखिए दोस्तों, अचलगढ़ 1280 नहीं है 1380 है, असलगढ़ कितनी है, अचलगढ़ जो है 1280 नहीं जबकि 1380 है, तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। देखिए आबू पर्वत की बात करें 1295 जबकि आबू पठार की बात करें तो दोस्तों वो 1200 मीटर ही है, ठीक है ध्यान रखना, आई थिंक ऐसा है। और अगर भी कोई अगर इसमें इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लगी ना तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सुपर फास्ट कर रहा हूं तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। ठीक है अगला क्वेश्चन 49 है कि इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है, दोस्तों इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कौन सी है, तो 1722 है या 1200 है या 1360 है या 1560 है, देखिए इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कौन सी है, इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई कौन सी है, तो दोस्तों 1360 है, 1360 है इनमें से उड़िया पठार की ऊंचाई, तो बिल्कुल सिंपल है भैया। और अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन दोस्तों 48 नंबर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक जरूर होगी, मैं आपको कमेंट करके पिन बता दूंगा, है ना पिन करके जो है कमेंट में बता दूंगा। ठीक है अच्छा अगला क्वेश्चन है उदयपुर और राजसमंद की सबसे ऊंची छोटी जो है ना कौन सी है, अगर उस 48 नंबर क्वेश्चन में आप एक बार आबू पर्वत को हटा देते हैं ना तो अपना सी ऑप्शन ही सही होगा, एक बार आबू पर्वत को हटा दीजिएगा क्योंकि उसमें मुझे कन्फ्यूजन है ना, तो सी ऑप्शन सही होगा, 1380 मीटर है अचलगढ़ की जबकि 1280 उसमें दे रखा है। चलिए दोस्तों 50 नंबर उदयपुर और राजसमंद की सबसे ऊंची जो छोटी है ना वो कमलनाथ की पहाड़ी नहीं है जरगा है प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। बोले सर कितनी है, 1431 है मेरे दोस्तों, कितनी है 1431 है, ये राज्य की कितने नंबर की है, चौथे नंबर की छोटी है सर, चौथे नंबर की छोटी है क्या, हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन है अनियमित धरातल वाला कटाफटा जो पठार होता है ना उसे क्या कहते हैं, लासड़िया पठार, भोरट का पठार, गिरवा पठार या भाकर पठार, अनियमित धरातल वाला जो कटाफटा पठार है वो लासड़िया पठार कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, लासड़िया पठार कहलाएगा। सिंपल क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, राइट आंसर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है भोराट का पठार कहाँ विस्तृत है दोस्तों, और भोराट का पठार जो है ना ये कहाँ पर विस्तृत है, ये मतलब कि आपका है उदयपुर और राजसमंद के बीच का पठार है, मतलब कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा हो जाता है, कुंभलगढ़ वे गोगुंदा और उदयपुर के बीच में, कुंभलगढ़ गोगुंदा स्थान है राजसमंद का और इस प्रकार से उदयपुर तक विस्तृत है, ये भोराट का पठार है दोस्तों। अरावली श्रृंखला में मुख्यतः किसकी चट्टान है, इनमें से कौन सी चट्टान जो है अरावली में स्थित है प्यारे दोस्तों, अरावली श्रृंखला में मुख्यतः किसकी चट्टान है, आपने कहा सर इसका राइट आंसर तो हो जाएगा अपना डी ऑप्शन के, शिष्ट भी है, ग्रेनाइट भी है और क्वार्ट्जाइट भी है, तो सारी चट्टान इसमें पाई जाती है, एक नीच प्रकार की चट्टान भी यहां पर पाई जाती है दोस्तों। ठीक है अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, नाकोड़ा पर्वत कौन सी पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों, नाकोड़ा पर्वत जो है ना कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, आप सभी को पता होगा कि सर ये बहुत ही आसान है, नाकोड़ा पर्वत कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 56 की पहाड़ियों में स्थित है, कहां पर है 56 की पहाड़ियों में स्थित है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे रहा हूं, यहां पर ये सभी का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का दूसरा आबू, दोस्तों ये क्वेश्चन आई थिंक नहीं पूछा जाए वैसे इतना इसमें नहीं है, तो मारवाड़ का दूसरा आबू कहते हैं अपने सुंदा को, ठीक है जसवंतपुरा को, मारवाड़ का दूसरा आबू जसवंतपुरा को कहा जाता है, वैसे ध्यान रखना ये जालौर की सबसे ऊंची छोटी है सुंदा, ठीक है और जिसका नाम दिया था जसवंत सिंह ने। अगला क्वेश्चन नाकोड़ा में किस जैन तीर्थकर की प्रतिमा विराजित है दोस्तों, नाकोड़ा में किस जैन तीर्थकर की प्रतिमा विराजित है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भगवान पार्श्वनाथ, ये कल की क्लास में, कल की रात की क्लास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पोष कृष्ण दशमी को मेला भी पड़ता है, मंदिर का निर्माण बहुत प्राचीन है वैसे, 12वीं-13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है देखिएगा दोस्तों अब अपन जो जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुझे अब लग रहा है कि महत्वपूर्ण है वही पढ़ेंगे। उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग क्या कहलाता है, उदयपुर का उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है मगरा, क्या कहलाता है, बोले सर मगरा क्या, हाँ जी उत्तर पश्चिमी पर्वतीय भाग जो है ना मगरा कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें जो गिरवा है ना, गिरवा ये तचतरी नुमा जो पहाड़ियाँ वो कहलाती है, और जो कटाफटा पठार है वो लाछड़िया कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था आपका है ना।
दोस्तों देखिए, एक इन चीजों को आप लोग फॉलो कर लो, अभी से याद करो, रट लो कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सॉरी रामावी शिक्षा विभाग, हाँ वही बात है, शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में क्या है। देखिए, सबसे ऊंची छह चोटियां इस प्रकार से ध्यान दे देना। गुरु शिखर 1722 है, शेर 1597, दिलवाड़ा 1442 है, जरगा 1431 है, अचलगढ़ 1380 है और आबू 1295। तो ध्यान रखना दोस्तों ये चीजें। अब मैं आपको आगे ले चलूंगा, मतलब कि किस और ले चलूँ, आपको पूरी मैदानी भाग की ओर ले चलूँ। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ही शानदार थे, यहाँ तक के यही थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों, जहाँ तक की बात करें अब तो मतलब जो जो महत्वपूर्ण था ना वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब पूरी मैदानी भाग से संबंधित जो महत्वपूर्ण वो देखते हैं। राजस्थान का पूरी मैदानी भाग अरावली के पूर्व में स्थित है या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में? तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर बताइए। राजस्थान का पूरी मैदानी भाग अरावली के किस ओर स्थित है? आपने कहा सर पूर्व की ओर स्थित है, कहाँ किसकी ओर है? पूर्व की ओर है। तो चलिए ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई, मतलब इसका ढाल जो है ना किस ओर है? पूर्व की ओर है। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पूरी मैदानी भाग में निवास करती है? राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या पूरी मैदानी भाग में निवास करती है? 29, 23, 40 या 39? देखिए जनसंख्या के बारे में पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना 39 हो जाएगा, जनसंख्या 39 हो जाएगी। जबकि भूभाग की बात करें आप लोगों से कि भाई सर भूभाग कितना है, तो भूभाग तो दोस्तों 23% है, मतलब कि दूसरे नंबर पे यही आता है। और इस क्षेत्र का जो है ना जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। तो ऐसे दोस्तों आपका क्लियर हो रहा है ना पूरा का पूरा मैटर, हाँ सर हो तो रहा है। चलिए इसी प्रकार से एक और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूरी मैदानी भाग से संबंधित गलत क्या है? पूरी मैदानी भाग से संबंधित गलत क्या है? वर्षा की बात करें 50 से 80 सेमी तक यहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। जलवायु की बात करें आद्र जलवायु यहाँ पर है, बिल्कुल है साहब। मिट्टी जलोढ़ और दोमट मिट्टी यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो गलत है सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई जो है ना यहाँ पे कुओं से की जाती है, न कि तालाब से, कुओं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है पूर्वी मैदानी भाग में। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, चार क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुए आप लोगों के, उम्मीद है ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, पूरी मैदानी भाग का ढाल। तो अभी आपने बात कर ली कि पूर्व की ओर है ना, किसकी ओर है सॉरी, पूरी मैदानी भाग का ढाल पूछा है ना, तो पूर्व की ओर है ना, अभी अभी अपने बात की है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइए। अगला है वागड़ क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, वागड़ क्षेत्र कहलाता है, माई और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो सिंचित होता है उसको कहते हैं, या बनास को, या मतलब बनास और सहायक नदियों को, या बेड़च और सहायक नदियों को, या फिर लूणी और सहायक नदियों को? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर होगा माई और उसकी सहायक नदियों को वागड़ क्षेत्र कहते हैं। और वैसे ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का ये क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान रखना बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का। अगला क्वेश्चन, पूरी मैदानी भाग में शामिल जिले कौन से नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन शानदार है, पूरी मैदानी भाग में शामिल जिला नहीं है, कौन सा जिला शामिल नहीं है दोस्तों? जयपुर, भरतपुर, दौसा ये शामिल है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौल ये भी शामिल है, टोंक, अलवर, अजमेर ये भी शामिल है। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? झालावाड़, बूंदी, कोटा ये इसमें शामिल नहीं है, हाड़ौती प्रदेश में शामिल है। दोस्तों ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन ये। और इसके साथ साथ जयपुर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर ये तो सब आप याद रखने ही रखने हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं मैं, जो जो महत्वपूर्ण है वही अपन बात करते हैं। बीहड़ व कंदराई कौन सी नदी बेसिन में? दोस्तों बीहड़ और कंदराई जो है ना कौन सी नदी बेसिन में आते हैं? बीहड़ और कंदराई दोस्तों ए चंबल बेसिन में आते हैं। कौन सी बेसिन में आते हैं? चंबल बेसिन में आते हैं। और ध्यान रखना 5 से 30 मीटर तक मतलब नीचे गहरे खड्डे होते हैं ना उसे ही बीहड़ कहा जाता है दोस्तों, खड्डयुक्त भूमि को। और ये चोर और डाकू का मतलब यहाँ पर आंतक वगैरह रहता है। सर्वाधिक बीहड़ धौलपुर और सवाई माधोपुर में होती है दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पूर्वी मैदानी भाग में उपजाऊ फसल कौन सी है? पूर्वी मैदानी भाग में उपजाऊ फसल कौन सी है? बस यही तो आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन होगा, गेहूं भी है, जौ भी और चना भी है ठीक है। हालांकि अरावली की कौन सी है? अरावली की मुख्यतः कौन सी है? बोले सर मक्का है। अपने पड़ा उत्तर पश्चिम की मुख्यतः कौन सी है? बाजरा, गवार और मोठ है। बाजरा, मोठ और गवार, ये चीजें आप लोग ध्यान रखते रहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला आता है अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो इस कदर से अपन अच्छे से पढ़ लेंगे दोस्तों भूगोल तो अपना। देखिएगा
25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है? राजस्थान का कुल कितने प्रतिशत जो है ना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है? तो दोस्तों अपन ने बात कर ली कि भी 7% है, तो फिर चिंता किस बात की, 7% करो ना। और यहाँ की जनसंख्या, ये जनसंख्या में भी बहुत कम है और भूभाग में भी बहुत कम है, छोटा सा है वैसे, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाड़ौती का पठार का दूसरा नाम क्या? हाड़ौती के पठार को दूसरे किस नाम से जानते हैं अपन, है ना? तो हाड़ौती के दूसरे किस नाम से जानते हैं, बस यही पूछा है ना, लावा पठार को या लावा का पठार को, एक ही बात है, ए करो या डी करो, है ना, एक ही कर लो कोई भी, क्योंकि दो ऑप्शन दे दिए कोई ना। अगर ऐसे आपको दो ऑप्शन दे दिए ना तो आपको क्या करेंगे बताए, बोनस अंक दिए जाएंगे, ठीक है, बोनस अंक दिए जाएंगे। दोस्तों ज्यादा क्लास लंबी नहीं होगी, आपके लिए ही कर रहा हूं सब कुछ, है ना, तो प्लीज इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। अब 5-7 क्वेश्चन और होंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? देखिए दोस्तों वार्षिक वर्षा वाला सबसे अधिक भौतिक विभाग जो है ना वो कौन सा है, तो ध्यान दे देना मेरे दोस्तों। देखिए 50 से 90 किसका है, 50 से 90 है अरावली का है, तो उससे भी अधिक है ये अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसके अंतर्गत अपना झालावाड़ जिला भी आता है, इसके अंतर्गत अपना झालावाड़ जिला भी आता है मेरे दोस्तों। और इसमें यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का कितना है औसत वर्षा, जो कि वो है सर 90 से लेकर 120 तक है। वाह वाह वाह, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठार का ढाल किस ओर है? दक्षिणी पूर्वी पठार का जो ढाल है ना वो किस ओर है, तो दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिणी पूर्वी पठार का ढाल किस ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु की दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, जलवायु की दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है ना ये अति आद्र जलवायु में आता है, या आद्र में, या शुष्क में, या उपआद्र में। अपने पढ़ लिया कि भाई उपआद्र में तो अरावली आता है, शुष्क में अपने पढ़ लिया कि भाई अपना मरुस्थल प्रदेश आता है, तो ये अति आद्र जलवायु प्रदेश हो जाएगा मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, शानदार क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और इसे उपोष्ण आद्र जलवायु भी कहते हैं ना, तो अच्छा क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, जो महत्वपूर्ण है अपना ये दक्कन का पठार की विशेषता इतना नहीं है। चलिए तो ये देख लीजिएगा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में शामिल जिले नहीं है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में शामिल। देखिए दोस्तों मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जहां से मतलब कि ऐसा लगे कि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अपने, साथ ही साथ कितना क्लियर मैटर हो वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में शामिल जिला नहीं है, कोटा बूंदी भीलवाड़ा है इसमें, 12 झालावाड़ भी इसमें है, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ भी इसमें है। इसमें कुल कितने जिले हैं, इसमें कुल 7 जिले हैं सर, इसमें भी 7 है क्या? कोटा बूंदी भीलवाड़ा 3, झालावाड़ 12 2, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ 2, 2 2 4 3, 7 जिले आ गए। तो राजसमंद उदयपुर यहाँ पर नहीं है, बोले सर फिर ये मेरे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, ये पीडमांट मैदान जो है ना किस क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों देखिए पीडमांट जो मैदान है ना कौन से क्षेत्र में आते हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है, ये आप लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपन लॉक करेंगे देवगढ़ को, कौन से को करेंगे, देवगढ़ को लॉक करेंगे। शानदार क्वेश्चन था देवगढ़, जो कि राजसमंद जिले के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक बीहड़ भूमि पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन है, गलत कर देते हैं काफी भाई बने, और इसको आप रट के जाइएगा। धौलपुर में है राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि, कहां पर है? धौलपुर में है सर। अच्छा मेरा क्या है मेरे दोस्तों, मेरा क्या है, मेरा दोस्तों क्या है, एक मिट्टी का प्रकार है, ठीक है, ये मेरा मिट्टी का प्रकार है जो हनुमानगढ़ में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, गग्गर के तल में, ना वहां पे हल्के पीले रंग की वगैरह, ठीक है। ओके सर, अगला क्वेश्चन, हर स्थान पर स्थानीय समय किस पर निर्धारित होता है? हर स्थान का स्थानीय जो समय होता है ना वो किस पर निर्धारित होता है? तो प्यारे दोस्तों ये देशांतर पर निर्धारित होता है, किस पर होता है? देशांतर पर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? आपने कहा सर धौलपुर में होता है, और सबसे बाद में कहाँ पर होता है? 36 मिनट बाद में जो है ना कहाँ पर होता है? आपने कहा सर वो जैसलमेर में होता है आपके,
तो हम लोग सूर्य को देखकर इतने लेट उठते हैं ना, 36 मिनट लेट उठते हैं, लेकिन मैं तो भैया जल्दी उठ जाता हूँ, मतलब 36 मिनट तो जल्दी उठ ही जाता हूँ जैसे तैसे करके, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य के मध्य से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है। राज्य के मध्य से गुजरने वाली जो पूर्वी जो है ना अपने पूर्वी देशांतर रेखा है वो कौन सी है। तो दोस्तों ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, 74 डिग्री। ओके ओके ना, ठीक है सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताएं मेरे दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताएं। आपने कहा सर भौतिक विभाग हमारा अच्छे से क्लियर करवा लो, भौतिक विभाग तो मैंने आपको करवा दी, ठीक है। अब आपको इसकी पीडीएफ देने की आवश्यकता नहीं, आपको क्विक रिवीजन करवा लिया। आज आपको मैं पीडीएफ एक वीडियो दूंगा जिसमें ओएमआर सीट के बारे में बात करूंगा आपसे, ठीक है। आज आपको संधि के ट्रिक की जो है दोस्तों, टाइम मिला तो वीडियो दे दूंगा, नहीं तो आप लोग है ना उसको मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगा आपको संधि की, ठीक है। और रही बात, अब आप लोगों ने मैंने जैसा कहा था वैसा क्विक रिवीजन तो कर ही लिया होगा वैसे, और ये भी क्विक रिवीजन के अंतर्गत मैंने इसको ऐड किया है, तो 40 मिनट आज की इस क्लास के लगे हैं। उम्मीद है आप सभी भाई बहन लास्ट तक मेरे साथ जुड़कर बने रहे हैं, और आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप सभी को एग्जाम की मतलब कि 2-3 बार लाइव आऊँ उससे पहले भी आप सभी को एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो और आपको एक अच्छी कॉलेज मिले, मतलब BSTC वालों के लिए। बाकी भाई बने अगले एग्जाम के लिए इंतजार में हैं, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, दिल से आभार, जय हिंद। अच्छा, वेबसाइट किसी को पता नहीं है, टेस्ट होते हैं दोस्तों वेबसाइट पर अभी भी, rajasthanclasses.in, राजस्थान क्लासेज। वैसे है ना आपको ई बुक वगैरह डाउनलोड करनी हो, इसका लिंक है ना डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ पर टेस्ट भी होते हैं दिन भर, ठीक है। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।